ओम शांति। आज हैं 22 जुलाई 2022 की साकार मधुर मुरली। आज बाबा ने सभी दुखों के बंधन से छूट सुख के संबंध में जाने की विधि बताई कि जो भी पुराने कर्म बंधन हिसाब किताब रहे हुए हैं उन सब को चुक्त करना है। फिर बाबा ने कहा, अभी संगम पर तुम युद्ध स्थल पर हो, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग चलती है। फिर कहा, इसे ही मल युद्ध कहा जाता है और इस बॉक्सिंग में मल युद्ध में विजय पाने का आधार बताया कि सदा बुद्धि में रहे कि हमने कल्प कल्प विजय पाई है, माया रावण पर जीत पाई है। और विजय पाने के लिए कहा कि 5 भूतों का दान देना है और दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। फिर कहा, तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाबा सन्मुख बैठे हैं, इसलिए गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। यहाँ बाबा के पास तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए और दूसरे तरफ सुख के संबंध जुटते जा रहे हैं। फिर बाबा ने यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते हुए कहा कि कई पूछते हैं यह शुरू कैसे हुआ। बाबा बताते हैं कि पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। फिर कहा, बाबा आते ही है खिदमत व सेवा करने, जबकि सारी यूनिवर्स सारा विश्व दुखी होता है। फिर बाबा ने आज के गीत पर सुनाया कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, अर्थात एक बाबा मिला तो सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सब सुख मिल जाते हैं। फिर कहा कि मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ और उसके बदले में दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है, इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतु करने हैं। मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है, इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतु करने हैं। आज मुरली से प्रश्न है, इस युद्ध स्थल में बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है, बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है, इसे ही मल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजय बनने के लिए बुद्धि में रहे, हमने कल्प कल्प जीत पाई है, माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए, तो सब भूत फिर से सताने लगेंगे। आज मुरली में गीत बजा, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, कि नाचो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध, बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसलिए कहते हैं, दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में ले चलो। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है, भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भगत नहीं जिसको भगवान का पता हो, इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, बंदगी करते हैं, भगवान तो एक हैं, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। यह भी तुम जानते हो, तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सन्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता, दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे, सभी शांति में चले जाए फिर तो सृष्टि ही न रहे, इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देता है, मुक्ति पाते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहे वो फिर मोक्ष हो जाए, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान हैं। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए,
दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक तो करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है नहीं, पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए हैं। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था, अब हेल इन सॉल्वेंट बना है। भारत सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे हैं, अभी भी बहुत दुख हैं। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं, उनको पिया कहा जाता है। वह हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है, तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में जाने का। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है आदि से अंत तक, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पार्ट बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, बाकी वैरायटी योनि तो ढेर हैं, गिनती करने वाले तो कोई नहीं है। ऐसे ही धुक्का लगा देते हैं, अर्थात अबाउट योनिया बता देते हैं, अंदाजे से बता देते हैं। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाजी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसलिए कहते हो गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। यह पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। तो जज करो कि गीता का भगवान कौन, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है, मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं है, वह तो हद के सन्यासी छोड़ देते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वह फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी पुरानी दुनिया को भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है, वह है शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है सृष्टि पर। तुमको हद और बेहद से पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, वहाँ कोई पार्ट आत्मा बजाती नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया है कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हो। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी दुनिया में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी कहाँ रहेंगे, फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाए, कुटुंब को कहाँ ले जाएंगे, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे, तुम छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ, बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था। बाबा यज्ञ की स्थापना कैसे हुई वह समझा रहे हैं कि पहले बहुत छोटा स्थान था, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते गए। बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था, पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते नहीं है, बाप तो आते हैं खिदमत अर्थात सेवा करने। जब सारे यूनिवर्स दुखी होती हैं, यह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए हैं, अर्थात सारे विश्व की आत्माओं के लिए यह पढ़ाई है।
कोई भी आके पढ़ सकते हैं, कॉलेज भी हैं, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाना है ना, सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, सभी की गति सदगति करने के लिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेता है। माया बड़ी दुष्टर है, माया तुमको दुख में ले जाती है। यह खेल है, बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं, आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है, इनको युद्ध स्थल कहा जाता है, इसमें माया रावण को जीतना होता है। कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी, तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, बाबा कहे अरे यह तो भूत है, दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा, तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब 1 जन्म पवित्र रहो, इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है, मल्ल युद्ध होती है ना, कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्र में दिखाई है। यह तो माया रावण की बात है, कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है, माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है, भारत कितना सिरताज था, सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे, यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंस प्रिंसेज मिलते हैं, नंबर वार बैठते हैं, बुद्धि से काम लो, वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसे होंगी। रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है, साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। बाबा कहते हैं लाइट दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी रोशनी है, अर्थात सतयुग में साइंस का और एडवांस रूप होता है, साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो, वह शंकराचार्य यह शिवाचार्य। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चार करता हूँ, गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली, उनसे ऊंच होता ही नहीं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते हैं। आगे तो टेलीफोन बिजली मोटर आदि थोड़े ही थे, अभी हुए हैं, वहाँ सतयुग में तो साइंस बहुत काम देती है, अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार कर देते हैं। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। तुम बच्चे यह सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसलिए यह महाभारत लड़ाई है, तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाबा कहते हैं पूरा योग लगाओ, तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम, बाबा तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं, कहते हैं यह हमारे काम की है, भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसी को देते नहीं, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, यह कोई कम बात है क्या, दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़े ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, यह परमपिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है, पहले कृष्ण जयंती मनाते हैं, शिव जयंती कहाँ गई, पहले शिव जयंती हो फिर कृष्ण का जन्म हो, शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ, महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैश्यालय बनाते हैं, जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसी को पता ही नहीं है, वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं, जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार,
बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो, प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए, इनको जानते नहीं। बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठते हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताए। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज नहीं है तो तुम फिलोसोफर काहे के हुए। समझाने की युक्ति चाहिए, यह क्या जजमेंट करते हैं। धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उनके ऊपर तो कोई है नहीं, यहाँ तो एक दो के ऊपर हैं। सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक शिव बाबा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा पॉइंट है, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए तीन पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। आज बाबा ने वरदान दिया, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहे, फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएंगी। आज का स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं ना कि बाबा विनाश कब होगा, कब सतयुग की स्थापना होगी, तो बाबा कहते हैं समय को गिनती नहीं करना है लेकिन स्वयं के और बाप के गुणों की गिनती करना है और स्वयं को संपन्न बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।